हेलो फ्रेंड्स, टॉपनॉच ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। इट्स मी हर्षना यादव एंड टुडे वी आर कवर अवर लास्ट टॉपिक ईसीटी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने हमारे ईसीटी के लास्ट टॉपिक के अंदर ईसीटी का डेफिनेशन, उसके काउंटर इंडिकेशंस, इंडिकेशंस, टाइम ड्यूरेशन, ये सब स्टडी किया था। अभी हम हमारी आज की क्लास के अंदर ईसीटी के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ ईसीटी। देखिए, ईसीटी प्रोवाइड करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आप इनडायरेक्ट के अंदर देखिए, इट इज़ यूज्ड विदाउट सेडेशन और एनेस्थीशिया। यानी जो डायरेक्ट ईसीटी है उसके अंदर हम कोई भी मेडिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। और आज के टाइम के अंदर डायरेक्ट ईसीटी यूज़ नहीं होती है। ये पहले यूज होती थी जब हमारे पास मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं थी। अब हम जो यूज़ करते हैं वो है इनडायरेक्ट ईसीटी। तो देखिए, जो इनडायरेक्ट ईसीटी है उसी का दूसरा नाम है मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं और उन चेंजेस के अंदर हम लोग कुछ मेडिकेशंस का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मोस्ट कॉमनली इसलिए क्योंकि डायरेक्ट हम बंद कर चुके हैं और अभी हम इनडायरेक्ट ही यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट ईसीटी ही यूज होती है। सेडेशन एंड एनेस्थीशिया इज यूज ड्यूरिंग ईसीटी विद एसोसिएट ड्रग्स। देखिए, इनडायरेक्ट ईसीटी के अंदर हम पेशेंट को सेडेशन भी देंगे, एनेस्थीशिया भी देंगे और भी कुछ ड्रग्स हैं जो हम हमारे पास रखते हैं कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हमको उनकी रिक्वायरमेंट कभी भी हो सकती है। तो देखिए, ये दो मेथड थे। नेक्स्ट आप देखिए, टाइप्स ऑफ ड्रग यूज्ड। यानी अभी हमने देखा कि सेडेशन, एनेस्थीशिया दिया जाता है, तो ऐसे कौन कौन सी मेडिकेशन है जो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एट्रोपिन सल्फेट, नेक्स्ट आप देखिए थायोपेंटन सोडियम, नेक्स्ट आप देखिए सक्सिनाइन कोलिन एंड द फोर्थ वन इज ऑक्सीजन इनहेलेशन। देखिए, ये जो चार ड्रग्स हैं आपको याद रखनी है बिकॉज ईसीटी के अंदर इन्हीं चार चीज़ों का ही यूज होता है। तीन मेडिकेशन है और एक आपको ऑक्सीजन याद रखना है, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको इन ड्रग्स का नाम और इनके यूज अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे नीचे एक नोट है, आप देखिए, द सेम सीक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज ड्यूरिंग ईसीटी प्रोसीजर। यानी कि जैसे यहाँ पे चारों ड्रग्स के नाम रखे गए हैं सिक्वेंस में, उसी सिक्वेंस के अंदर हम इनको ईसीटी में भी यूज़ करते हैं। तो आप कोई भी ट्रिक बना के इनको याद कर सकते हैं, आपको सिक्वेंस में याद होनी चाहिए। और ये जिस सीक्वेंस में दी गई हैं, ये क्वेश्चन हमारे आईएमसी के अंदर जो पीएचडी का एग्जाम लगा था, तो ये क्वेश्चन आया था कि हम ईसीटी के अंदर जो ड्रग्स यूज करते हैं उनका क्या सीक्वेंस है। तो मैंने इनको ऑलरेडी सीक्वेंस में ही अरेंज किया है, आप इनको ऐसे ही अल्फाबेटिकली याद कर लीजिए, या फिर आपके पास और कोई ट्रिक है, जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को याद करने के लिए हम नमेनिक यूज करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, सबसे पहले हम एट्रोपिन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, एट्रोपिन बहुत कॉमन सा ड्रग है, हम लोग आईसीयू के अंदर भी सुनते हैं एट्रोपिन का यूज़। यूजुअली एट्रोपिन का यूज़ हमारी सिक्रेशंस को, जो एयरवे के अंदर सिक्रेशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो देखिए आप, एडमिनिस्टर बिफोर 30 मिनट्स ऑफ ईसीटी। यानी कि एट्रोपिन सल्फेट हमको ईसीटी स्टार्ट करने से आधा घंटे पहले हम पेशेंट को देते हैं। इसका यूज़ देखिए आप, टू रिड्यूस एयरवे सिक्रेशंस। देखिए, हमारा जो एयरवे का सिक्रेशन है उसको रोकना जरूरी है क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है। अगर उसके सिक्रेशंस एयरवे के अंदर आ जाते हैं तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, पेशेंट की हाथों हाथ कुछ मिनट्स के अंदर ही डेथ हो सकती है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए हम यहाँ पे एट्रोपिन सल्फेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप एक नोट देखिए, इफ़ एट्रोपिन सल्फेट इज़ यूज ड्यूरिंग ईसीटी इट प्रिवेंट्स रिस्क ऑफ ब्रैडीकार्डिया। देखिए, यहाँ पे एट्रोपिन सल्फेट के दो यूज हैं। अगर आप ईसीटी स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले देंगे तो ये हमारे एयरवे के सिक्रेशंस को कम करेगा। दूसरा, यहाँ पे नोट में ये लिखा है कि अगर आप ईसीटी के दौरान एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं क्लाइंट को, तो वहाँ पे जो रिस्क ऑफ ब्रैडीकार्डिया है उससे बचाता है हमें। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ईसीटी देने से पहले तो इसका काम होगा सिक्रेशंस के, जो हमारे सिक्रेशंस हैं सॉरी एयरवे के अंदर, उनको रोकने के लिए। और अगर हम ईसीटी के दौरान क्लाइंट को दे रहे हैं तब ये ब्रैडीकार्डिया का जो रिस्क है, यानी कि हार्ट रेट 60 से कम हो जाएंगी, उससे ये प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट आप देखिए, थियोपेंटन सोडियम। देखिए, थियोपेंटन सोडियम एक जनरल एनेस्थीशिया का एग्जांपल है। जनरल एनेस्थीशिया यानी आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा ये सेडेशन। तो इसका काम क्या है, यूज आप देखिए, टू कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ सीजर्स। यानी कि जब भी हम पेशेंट को ईसीटी देंगे तो पेशेंट के अंदर जो सीजर डेवलप होंगे इलेक्ट्रिसिटी के कारण,
उनको ये कंट्रोल करेगा, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होने देगा, या फिर उसको एक कंट्रोल हम कह सकते हैं रिदमिक मैनर के अंदर ऑल्टर करके चलेगा। नेक्स्ट अप देखिए सक्सिनाइल कोलिन। देखिए बहुत कॉमन सा नाम है सक्सिनाइल कोलिन। ये सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट है, यानी आपकी बॉडी का जो सेंटर पार्ट है जो हमारी पूरी मसल्स को कंट्रोल करता है उसको ही रिलैक्स करेगा। तो इसका फायदा देखिए आप, यूज टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ड्यूरिंग ईसीटी। यानी आप मानिए कि पेशेंट बेड के ऊपर लेटा और हमको पेशेंट को ईसीटी देनी है, अगर हमने मसल रिलैक्सेंट का यूज नहीं किया तो पेशेंट की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, जिसके कारण फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। इसलिए हम फ्रैक्चर के रिस्क को कम करने के लिए मसल रिलैक्सेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप एक नोट देखिए, इट इज द ड्रग विच कैन कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग ईसीटी, दैट टाइम वी प्रीफर ऑक्सीजन इनहेलेशन। देखिए सक्सिनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेंट है, तो आप मान के चलिए ये हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उन सभी को रिलैक्स करेगा, तो जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं इंटरकोस्टल, सुप्राकोस्टल, उन सभी को भी ये रिलैक्स कर देगा, क्योंकि इसका काम है मसल को रिलैक्स करना। तो अगर हमने सक्सिनाइल कोलिन पेशेंट को दिया है ईसीटी के दौरान, तो वहाँ पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के चांस हैं, क्योंकि हमारी रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होंगे, क्योंकि इस दवाई का असर होगा मसल्स के ऊपर भी, तो उस टाइम हम ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आप जो हमें फोर्थ मेडिकेशन देना है वो है हमारा ऑक्सीजन इनहेलेशन। इसलिए हमको पेशेंट को ईसीटी के दौरान कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है कि कहीं सक्सिनाइल कोलिन का असर इतना तो नहीं हो गया है कि पेशेंट के रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था ड्रग्स के बारे में। आपको ड्रग्स याद रखनी है कि जैसे सक्सिनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेंट है, इससे पहले वाला था उसका क्या काम है, आपको हर ड्रग की कैटेगरी और उसका यूज जो है अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम कितनी बार हम ईसीटी का यूज करते हैं। तो देखिए इसका जो एक कॉमन सा है याद करने का वो है कि 3 times in a week ऑन अल्टरनेट डेज, यानी कि वीक में 3 times तो आपको यूज करना ही करना है, और वो भी अल्टरनेट डे के ऊपर। मान लीजिए मंडे को यूज हुआ क्लाइंट के ऊपर ईसीटी, तो हम ट्यूजडे को नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे वेडनेसडे को, फिर हम थर्सडे को नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे फ्राइडे को। तो आप मान के चलिए कि एक वीक के अंदर 7 होते हैं, तो 7 में से 3 तो पेशेंट को जाएगा ही जाएगा ईसीटी, इसलिए ये कॉमन है। बट बाकी वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, कौन सी कैटेगरी की डिजीज़ है। मेनली हम लोग ईसीटी का जो स्पेसिफिक यूज है वो सीवियर डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया के अंदर ही होता है। बट हमें याद होना चाहिए कि हमको कितने सेशन देने हैं। तो नीचे आप देखिए डिप्रेशन के अंदर हमको 6 to 8 ईसीटी देनी होती है क्लाइंट को, ये एक वीक के हिसाब से, या फिर पेशेंट की जो सीवियरिटी है उसके हिसाब से डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए सिजोफ्रेनिया का है 8 to 12 ईसीटी, यानी 8 to 12 ईसीटी के सेशन क्लाइंट को प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया, यानी कि अगर सिजोफ्रेनिया का बहुत ज़्यादा भयंकर हम कह सकते हैं रूप हमारे सामने आ रहा है, क्लाइंट सही नहीं हो रहा है, फिर हम उसको 20 से 25 ईसीटी देंगे। देखिए ईसीटी के जितने भी सेशन है डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। तो नेक्स्ट आप देखिए रोल ऑफ नर्सेज बिफोर ईसीटी। देखिए ये हमने ईसीटी के बारे में बेसिक देखा, मेडिकेशंस के बारे में, अब हम देखेंगे कि हमारा क्या रोल है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कलेक्ट रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस लाइक एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट। देखिए ये बहुत कॉमन सा है, जब भी किसी क्लाइंट को ओटी में शिफ्ट किया जाता है तो ये नर्स का काम होता है कि पेशेंट के रिगार्डिंग हमारे पास जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं, हम उनको कलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है पेशेंट का एक्सरे रिपोर्ट, उसकी ईसीजी रिपोर्ट, उसका ब्लड टेस्ट, और इसके अलावा अगर और भी कोई बायोकेमिस्ट्री का है या कोई भी रिपोर्ट है वो हमको कलेक्ट करना होता है पेशेंट को। कोई भी मान लीजिए आप सर्जिकल प्रोसेस है या ईसीटी है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर, तो हमको ये कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आप देखिए कलेक्ट कंसेंट। देखिए कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1978 के अंदर सबसे पहले कंसेंट लेने की बात कही गई थी। उसके बाद 2005 में जो WHO है उसने इस चीज़ को अपनाया, और इंडिया ने 2010 के अंदर ईसीटी की रिगार्डिंग कंसेंट लेने को अपनाया गया। नेक्स्ट आप देखिए NBM और NPO। देखिए यहाँ पे NBM और NPO का आपने कॉमन नेम है, आपने सुना होगा मेड सर्च के अंदर, इसकी फुल फॉर्म होती है नथिंग बाय माउथ और नल पर ओरल, यानी कि पेशेंट को ओरली हमको प्रोसीजर से 6 घंटे पहले हमको पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है,
क्योंकि जो भी पेशेंट ने खाया है वो लगभग अगले 4-5 घंटे तक पेशेंट के स्टमक में ही रहेगा, और जैसे ही हम पेशेंट को शॉक दे रहे हैं तो हो सकता है कि उसका जो गैग रिफ्लेक्स है वो स्टिमुलेट हो जाए और पेशेंट के अंदर जो भी कंटेंट उसने खाया है वो एस्पिरेट हो सकता है, क्योंकि ईसीटी वाली जो स्टेट है वो अनकॉन्शियस स्टेट होती है। नेक्स्ट आप देखिए चेक वाइटल साइन। देखिए ये बहुत कॉमन है, वाइटल साइन नर्स का बहुत ही हम कह सकते हैं कि अहम रोल है। 15 मिनट में 1 घंटे में 20 मिनट में जैसे भी हमको डॉक्टर बोले हमको पेशेंट का वाइटल साइन कंटिन्यू चेक करना होता है। नेक्स्ट आप देखिए एम्प्टी ब्लैडर। देखिए पेशेंट का जो ब्लैडर है वो एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और स्पेसिफिकली ये इसी तरह आता है कि जब पेशेंट को हम ईसीटी दे रहे हैं तो उससे पहले ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो नर्स करेगी। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, बट उसमें अगर आपसे पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तब आप एम्प्टी ब्लैडर की तरफ जाएंगे। एम्प्टी ब्लैडर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पेशेंट का ब्लैडर फुल है और हमने उसको ईसीटी दिया तो पेशेंट कपड़ों के अंदर ही यूरिन पास करेगा, इसीलिए हमको एम्प्टी ब्लैडर का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए रिमूव मेटल ज्वेलरी एंड डीनेचर्स। देखिए पेशेंट की जो भी मेटल की ज्वेलरी है, क्योंकि हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो भी पेशेंट ने गहने ज्वेलरी कुछ भी वियर कर रखा है तो वो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो सकता है अट्रैक्ट हो, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। और डीनेचर्स का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल टीथ, यानी कुछ लोगों के जब टीथ खराब हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि गम्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको आर्टिफिशियल एक सेट लगाया जाता है टूथ का, तो वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट के टंग बाइट के चांस रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आप देखिए इफ क्लाइंट इज फीमेल यू शुड रिमूव हर नेल पेंट टू ऑब्जेस्ट साइनोसिस। देखिए अगर आप ईसीटी दे रहे हैं और आपकी क्लाइंट फीमेल है देन आपको पेशेंट का जो नेल जो पेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नेल वाला पार्ट है वहाँ पे हम ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज करते हैं। अगर पेशेंट के नेल पेंट लगा है तो हमको उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं पता लगेगा, तो ये तो कॉमन है। कोई भी ऐसा क्लाइंट है, सिर्फ ईसीटी का ही नहीं, मेडिकल सर्जिकल में कहीं भी ऐसा कोई क्लाइंट आया है, फीमेल क्लाइंट है, तो हमको पल्स ऑक्सीमेट्री कॉमन है, हम लगाते ही हैं, तो हमें पेशेंट का वहाँ पे नेल पेंट रिमूव करना होता है। नेक्स्ट आप देखिए प्रोवाइड लूज क्लोथ टू क्लाइंट और गाउन, यानी पेशेंट जो आपका है ईसीटी का उसको आपको ढीले कपड़े पहनाने हैं। देखिए ये यहाँ पे लास्ट जो क्लास थी उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर एक बच्ची ने पूछा भी था कि पेशेंट को हम गाउन पहनाएंगे या उसको रिस्ट्रेंट करेंगे। देखिए गाउन पहनाना एक अलग चीज़ है, गाउन पेशेंट का ड्रेस है जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी पॉलिसी है वो हमको पेशेंट को वियर करवाना पड़ता है, और रिस्ट्रेंट एक अलग चीज़ है जहाँ पे हम पेशेंट को सिक्योर कर देते हैं बेड के ताकि पेशेंट हिले नहीं। तो यहाँ पर ईसीटी के अंदर दोनों चीज़ें यूज होंगी, या तो आप पेशेंट को लूज जो है क्लोथ दीजिए या फिर आप पेशेंट को जो भी आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको गाउन वियर करवाइए। नेक्स्ट है शैम्पू द हेयर्स। देखिए बालों को शैम्पू करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके क्लाइंट के बालों के अंदर तेल लगा हुआ है तो जब भी हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स और जो हेयर्स हैं उसके बीच में कॉन्टैक्ट होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हम पेशेंट के ब्रेन के अंदर पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे प्रॉपरली, तो हमारा ईसीटी का जो प्रोसीजर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए एडमिनिस्टर एट्रोपिन सल्फेट बिफोर 30 मिनट्स। देखिए ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोसीजर से 30 मिनट्स पहले हमको पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट देना होता है। नेक्स्ट आप देखिए टाई द हेयर्स ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट के बाल खुले हैं तो आपको पेशेंट के हेयर्स को टाई करना है ताकि प्रोसीजर के दौरान हमें कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट आप देखिए रोल ऑफ नर्सेज ड्यूरिंग ईसीटी। देखिए इससे पहले जो हमने रोल देखे वो था कि ईसीटी स्टार्ट करने से पहले, अब हम देखेंगे कि ईसीटी हम दे रहे हैं क्लाइंट को तो हमें उस टाइम क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए वो जो बच्ची ने पूछा था वो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। रिस्ट्रेन पेशेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। देखिए जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पेशेंट के बॉडी के अंदर माइंड के अंदर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर के चांस हैं, तो इसीलिए पेशेंट को सिक्योर किया जाता है बेड से। देखिए मैंने जब ड्यूटी की थी वहाँ पे ऐसा रिस्ट्रेंट का फैसिलिटी नहीं था, तो आप मान लीजिए आपका क्लाइंट लेटा हुआ है तो 4 या 5 स्टाफ की ज़रूरत होती है। एक तो डॉक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करके उनको पकड़ के रखता है, और 2 स्टाफ जो पेशेंट के लेफ्ट साइड है और 2 ही स्टाफ पेशेंट के राइट साइड है, तो जो 2 स्टाफ आगे की तरफ होंगे वो दोनों हाथों को पकड़ेंगे और जो पैरों की तरफ होंगे वो अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे। तो देखिए मैंने खुद देखा है कि जब ईसीटी देते हैं तो इतना सीवियर अटैक होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का कि जितने भी लोगों ने पेशेंट को पकड़ रखा है वो खुद वाइब्रेट होने लग जाते हैं,
बेशक वो कुछ सेकंड्स का ही प्रोसीजर है, बट वो जो व्यू आप देखेंगे ना, आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि कुछ सेकंड्स के झटके ने इन सभी को हिला दिया है। तो ये यहाँ पे बात है रिस्ट्रेंट की। अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो आप रिस्ट्रेंट का भी यूज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपके रिस्ट्रेंट्स हैं वो प्रॉपरली पेशेंट को सिक्योर करें साइड रेल से, क्योंकि अगर आपका रिस्ट्रेंट थोड़ा सा भी लूज रह गया है तो क्लाइंट अपने हाथ पैर के मूवमेंट होंगे उसके अंदर, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रहे हैं अंदर, और पेशेंट के हाथ पैर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं जिससे फ्रैक्चर के चांस बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए पोजीशन। सुपाइन विद पिलो इज प्लेस्ड अंदर लंबर कर्वेचर टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ फ्रैक्चर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वर्टिब्रा। देखिए क्लाइंट को हम सुपाइन पोजिशन में लेटाते हैं बेड के ऊपर, और पेशेंट का जो लंबर कर्व है वहां पे रिस्क है कि फ्रैक्चर का चांस हो, इसलिए हमें क्लाइंट को एकदम स्ट्रेट सुपाइन पोजिशन में लेटाना होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्लाइंट दिखाई दे रही है जहाँ पर उसके इलेक्ट्रोड प्लेस किया गया, उसके मुंह के अंदर माउथ गैग डाला है ताकि पेशेंट को टंग बाइट ना हो। और नेक्स्ट आप राइट साइड में देखिए, क्लाइंट आपको सुपाइन लेटी हुई दिख रही है, क्लाइंट के जो है यहाँ पे हमने पिलो रख रखा है ताकि क्लाइंट के जो पोजिशन है वो एकदम फ्लैट हो जाए और कोई भी बॉडी का पार्ट है वो ऊपर नीचे ना हो, जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का खतरा कम हो। नेक्स्ट आप देखिए यूज माउथ गैग टू प्रिवेंट टंग बाइट ड्यूरिंग सीजर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी माउथ गैग का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए क्लाइंट है उसके मुंह के अंदर माउथ गैग डाला है जहाँ से आपको जीभ टंग दिखाई दे रही है क्लाइंट की, वो इसलिए है कि जब हम इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे तो हमारा पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है, तो जो पेशेंट के टीथ हैं वो कहीं टंग को बाइट ना कर लें, उससे बचने के लिए हम ये माउथ गैग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए माउथ गैग जो है अलग अलग शेप के होते हैं, यहाँ आपको जो पेशेंट के लगाया हुआ दिख रहा है आप उसी के राइट साइड में देखिए एक दूसरी शेप का है जो आपके लिप्स और आपके जो टीथ हैं उनके साइज का होगा, और पीछे एक बैंड है सिक्योर करने के लिए। इसी तरह बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, कुछ मेटल के भी होते हैं, मेटल के जो होते हैं वो पेशेंट को यूं करके कवर करते हैं, तो पेशेंट का जो ये माउथ है अब देखिए इस टाइप से खुला रहता है। या फिर हम कभी कभी हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो हमारे पास जो गोज पीस होता है हम उसको रोल करके थोड़ा उसका साइज बड़ा करते हैं और वो पेशेंट के मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट के अगर हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए सक्शन ड्यूरिंग सीजर टू मेंटेन एयर वे। देखिए अगर गलती से या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से पेशेंट का जो कंटेंट है अगर वो एस्पिरेट हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है एयरवे के अंदर, तो हमको बीच बीच में सक्शन मशीन का भी यूज करना है जब पेशेंट को सीजर हो, अगर हमें लग रहा है कि एस्पिरेशन की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट आप देखिए प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी ड्यूरिंग सीजर, और हमको पेशेंट को कंटिन्यू चेक करना है कि जो पेशेंट को हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस दे रहे हैं उसके कारण जो सीजर डेवलप हो रहे हैं कहीं पेशेंट इंजर्ड तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए ऑब्जर्व क्लाइंट फॉर टॉनिक क्लोनिक स्टेज। देखिए आर्टिफिशियल सीजर हम दे रहे हैं या पेशेंट को सीजर आ रहे हैं तो सीजर के अलग अलग स्टेज होती है जिनमें सबसे पहला टॉनिक क्लोनिक ऐसा कंटिन्यू होता है। तो देखिए टॉनिक जो स्टेज है उसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी मसल से एकदम तनाव आ जाता है मसल के अंदर, मसल पूरी तरह से खिंच जाती है, और जो क्लोनिक स्टेज है वो सीजर वाली स्टेज है, यानी पहले एकदम से मसल्स हैं वो खिंच जाती हैं फिर एकदम से वाइब्रेशन के जो मूवमेंट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए हमको पेशेंट को कंटिन्यू चेक करना है। नेक्स्ट आप देखिए रोल ऑफ नर्सेज आफ्टर ईसीटी। देखिए हमने ईसीटी के दौरान ईसीटी से पहले रोल पढ़े, अब हम देखेंगे ईसीटी के बाद के रोल। तो सबसे पहले आप देखिए ओपन रीस्ट्रेन। देखिए क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है तो सबसे पहले हम रिस्ट्रेंट्स को हटाएंगे, हम देखेंगे कि पेशेंट के कहीं रेडनेस तो नहीं हो गई है, हमने कहीं टाइट अप्लाई कर दिया हो, पेशेंट के सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। नेक्स्ट आप देखिए प्लेस पेशेंट इन लैटरल पोजिशन। देखिए जाहिर सी बात है आपका पेशेंट अनकॉन्शियस था जब आपने उसे शॉक दिया तो उसके एस्पिरेशन के चांस बढ़ सकते हैं, इसलिए हम पेशेंट को लैटरल पोजिशन या साइड लाइन पोजिशन हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम मोस्टली रात को सोते टाइम यूज करते हैं हम साइड लाइन पोजिशन में ही रहते हैं। उससे क्या होगा कि अगर पेशेंट ने कुछ एस्पिरेट किया भी है या पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है तो पेशेंट का जो मुंह है वो साइड में होगा और उसके कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली पोजिशन के कारण अपने आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए ओरिएंट क्लाइंट, यानी कि जब आपने क्लाइंट को पोजीशन दे दी है, रिस्ट्रेंट आपने हटा दिए हैं, अब आप क्लाइंट को ओरिएंट करवाएंगे, आप उससे पूछेंगे टाइम प्लेस पर्सन। देखिए सबसे पहले ओरिएंटेशन के अंदर तीन ही चीज़ आती हैं, टाइम प्लेस और पर्सन। आप पेशेंट से टाइम पूछेंगे, अभी क्या टाइम हुआ है, दिन है, रात है, कितने बजे हैं, पेशेंट आपको थोड़ा बहुत आइडिया बताएगा। आप पूछेंगे आपके आसपास में कौन लोग हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं,
फिर आप पूछेंगे कि आप अभी कहाँ हैं। तो अगर इन तीनों चीज़ों का जवाब हमको पेशेंट क्लियरली देता है तो उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ क्लाइंट, यानी हमको ओरिएंट करवाना जरूरी है, क्योंकि ईसीटी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है एमनीशिया, यानी पेशेंट अपनी याददाश्त खो देता है, तो उसके लिए हमको चेक करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप देखिए ऑब्जर्व फॉर इंजुरी, देखिए इंजुरी किस लिए, क्योंकि हमने रेजिस्टेंट अप्लाई किया था, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चांस है कि आपका क्लाइंट इंजर्ड हो, तो आपको वो चीज़ें कंटिन्यू चेक करनी है। नेक्स्ट आप देखिए चेक वाइटल साइन, देखिए वाइटल साइन कॉमन है, कोई प्रोसीजर चालू हो या फिर ख़त्म हो तो हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए चेक गैग रिफ्लेक्स, देखिए गैग रिफ्लेक्स इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो यहाँ पे होने के बाद में गैग रिफ्लेक्स हम चेक करेंगे। हम पेशेंट को सिप ऑफ वाटर देंगे, यानी हम एक ठंडे पानी की एक घूंट पेशेंट को देंगे। अगर हमको लगता है, हम 15 मिनट तक देखेंगे, अगर पेशेंट ने वो टॉलरेट किया है देन हम क्लाइंट को कॉफ़ी टी कुछ भी ऑफर करेंगे, बट अगर क्लाइंट ने सिप ऑफ वाटर को वोमिट कर दिया है तो देन हम पेशेंट को नहीं दे सकते, हमें वेट करना होगा अगले आधे या एक घंटे तक। नेक्स्ट आप देखिए एम्बुलेंट पेशेंट, देखिए प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, आपको पेशेंट को बेड से उठाना है, तो आप पेशेंट को थोड़ा सा उसकी हेल्प करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे चलने के अंदर, आप उसको कुछ राउंड वार्ड के अंदर ही आपका जो भी एरिया है वहाँ पर आप पेशेंट को इधर उधर लेके जाएंगे, ताकि पेशेंट का जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट है वो निकल जाए और पेशेंट खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपनी केयर खुद कर सके। तो देखिए ये कुछ रोल थे जो आपको याद रखने हैं, बहुत कॉमन है और आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर कोई भी प्रोसीजर होता है तो कुछ तो इसके अंदर कॉमन है। आप देख लीजिए पोजीशन वाला हो गया, इंजुरी वाला हो गया, वाइटल साइन वाला हो गया, एम्बुलेशन वाला हो गया, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखिए कॉम्प्लिकेशंस, तो सबसे पहले आप देखिए रिट्रोग्रेड एमनीशिया, देखिए रिट्रोग्रेड एमनीशिया की डेफिनेशन मैंने आपको ग्लोसरी ऑफ साइकियाट्री जब हमने स्टडी किया था उसके अंदर बताया था, अभी मैं आपको इसके बारे में वापस बताऊंगी, पहले आप इसका देख लीजिए। रिट्रोग्रेड एमनीशिया मोस्ट कॉमन, देखिए हमारा एसिडिटी का सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है जो हमको तुरंत देखने को मिलता है वो है रिट्रोग्रेड एमनीशिया, दैट इज रिवर्सिबल विद ड्यूरेशन ऑफ 1 week to 6 months। देखिए रिट्रोग्रेड जो एमनीशिया है उसके अंदर क्लाइंट अपने पास्ट की सारी चीज़ें भूल जाता है, यानी ईसीटी देने से पहले कहा क्लाइंट को कुछ भी याद नहीं रहेगा, अभी पेशेंट को जो भी याद रहेगा वो सिर्फ आगे का याद रहेगा जो उसके साथ होने वाला है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। बट अच्छी बात यह है कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि ठीक हो जाता है। अब देखिए ठीक होने का जो ड्यूरेशन है, अगर पेशेंट को हमको एक या दो ही ईसीटी देनी है तो इतना ज़्यादा उसके मेमोरी पे इफेक्ट नहीं होता है, बट आप इमेजिन कीजिए आपका पेशेंट डिप्रेशन का है, सिजोफ्रेनिया का है, देन आप उसको कंटिन्यू काफ़ी टाइम से आप उसको ईसीटी दे रहे हैं तो उसके ब्रेन के लेवल के ऊपर इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा तो एमनीशिया को कवर होने में टाइम लगेगा। तो ऐसे क्लाइंट्स के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 week से लेकर 6 months तक हो सकता है। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट टोटली इम्पेयर हो चुके, सही नहीं होगा, धीरे 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 करके पेशेंट को अपना सब कुछ याद आएगा। नेक्स्ट आप देखिए जो फ्रैक्चर मैंडिबल, आपका जो मैंडिबल वाला पार्ट है, जब हम पेशेंट को ईसीटी देते हैं तो हमको इस पार्ट को भी यूं कस के पकड़ना होता है, क्योंकि जो शॉक है वो इतना हाई लेवल का होता है कि यहाँ पर चांस है कि पेशेंट वाइब्रेट करेगा तो फ्रैक्चर होने के चांस हैं, इसीलिए जो फ्रैक्चर भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट आप देखिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और इसके बारे में आप एक नोट भी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन अटेंड बाय नर्स आफ्टर परफॉर्मिंग ईसीटी। देखिए बाकी तो सारे ही कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कौन सा है तो आपको रिट्रोग्रेड एमनीशिया सही करना है। अगर आपसे पूछे कि सीवियर कौन सा है जिसको हमको तुरंत हमको या जो नर्स है उसको फोकस करना है तो वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि देखिए एमनीशिया क्लाइंट की जो मेमोरी है वो भी जरूरी है, बट वो तुरंत आए वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो हम धीरे धीरे थेरेपी के द्वारा कैसे भी करके हम ला सकते हैं, फ्रैक्चर भी सही हो सकता है, बट अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी अगर हमने कंट्रोल नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है, पहला ये कि ईसीटी का जो कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉमन तो है रिट्रोग्रेड एमनीशिया, दूसरा ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो नर्स सबसे पहले पेशेंट के ऊपर ध्यान देगी वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो देखिए ये ईसीटी के बारे में कंप्लीट हुई क्लास, पहली क्लास में हमने इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन डेफिनेशन ड्यूरेशन ये स्टडी किया, कितना अमाउंट ऑफ हम करंट देंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, अभी इसके अंदर हम लोगों ने ईसीटी का जो हमारा मेन नर्स का रोल है और मेडिकेशन है ये दो चीज़ें और एक तीसरा कॉम्प्लिकेशन ये आपको याद रखना है। और अगर फिर भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।